इससे पहले हम लोगों ने सर्कल को पढ़ लिया और पैराबोला को पढ़ लिया। दोनों के दोनों ही टॉपिक अगर देखा जाए, सर्कल और पैराबोला, मुझे लगता है बहुत आसान थे, इंतहाई आसान। आसान ये भी है, मुश्किल ये भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, उनसे कुछ बेहतर है, ठीक है ना। मतलब सर्कल और पैराबोला से कुछ बेहतर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो वो जो क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो तो बाद की बात होगी, पहले जान लेते हैं कि इलिप्स होता क्या है, यानी कि आज का जो टॉपिक है वो सबसे पहली बात क्या है, द इलिप्स, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले आपने टॉपिक का नाम डाला द इलिप्स, इसका नाम भी हम पहले सुन चुके हैं, ठीक है, बड़े काम की बातें हैं, ठीक है ना। इसका ना काम, इस नाम को भी हम लोग पहले सुन चुके हैं, जैसे हम लोगों ने पैराबोला को पहले सुन लिया था प्रोजेक्टाइल पढ़ते समय, क्या पढ़ा था, द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज पैराबोलिक। उसी तरह से हमने ये बात भी बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं, कई बार मतलब बहुत सारे बच्चे 9th-10th क्लास में जान जाते हैं कि जो अर्थ का सन के चारों तरफ जो रिवोल्यूशन, यानी कि जो रिवोल्यूशन का पाथ है वो कैसा है, सर्कुलर नहीं है, इलिप्टिकल है, इलिप्टिकल, समझ गए ना। तो ये अपने आप में एक अलग ही शेप बन करके आई है। सबसे पहली बात, मैंने जब आपको पैराबोला के बारे में बताया था तो तब भी मैंने कुछ आपको बताया था कि ऐसे ही कुछ लोगों के दिमाग में बैठे बिठाए कुछ चीज़ें बना बना करके, खास तौर से मैथमेटिक्स में यही होता है कि आप बैठे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, दिमाग को यूज़ कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ कुछ नई नई चीज़ें उभरती जा रही हैं, उन्हीं से बहुत सारी नई इन्वेंशन हुई हैं, बहुत सारी नई खोजें हुई हैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ों की जानकारियाँ मिली हैं नई नई। वैसे ये भी अपने आप में एक नई जानकारी थी, और क्या जानकारी थी, जैसे हमने पढ़ा, वापस फिर से रिकॉल करता हूँ, हमेशा सर्कल क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, एंड दैट फिक्स पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल, वेरी गुड। दूसरी हमने कल जो डेफिनेशन पढ़ी थी इससे पहले पैराबोला की, तो उसमें क्या था, द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड ए फिक्स लाइन, द फिक्स पॉइंट इज नोन एज फोकस ऑफ दैट पैराबोला एज वेल एज द फिक्स लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दैट पैराबोला। उम्मीद बात समझ में आ रही होगी, क्लियर है। तो दो डेफिनेशन हम लोगों को समझ में आ गई थी, बढ़िया से उसको हमने पढ़ भी लिया, उसके क्वेश्चंस भी कर लिए। अब आते हैं इलिप्स पर, बहुत मजे की डेफिनेशन है, ठीक है ना, द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, उन सभी पॉइंट का कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स हुज द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल। बड़े ध्यान से सुनो, बार बार कह रहा हूं, बात इतने ध्यान से सुनने वाली है कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इतने ध्यान से सुनने वाली है। जितने आसानी से पैराबोला की इक्वेशन डिराइव हो गई थी उतने आसानी से पैराबोला की इलिप्स की इक्वेशन डिराइव नहीं होने वाली है, पहली बात। दूसरी बात, इलिप्स की इक्वेशन को स्कूल में अगर आप डिराइव करने की बात करेंगे भी तो नहीं कराई जाएगी, चाहे आप जितनी कोशिश कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ डेरिवेशन कर लेते हैं आप, लेकिन ध्यान से पहले सुनो, ध्यान से कि पहले तो पता होना चाहिए कि इलिप्स होता क्या है। अगर कोई तुमसे ये सवाल करेगा ना, व्हाट डू यू मीन बाय इलिप्स, तो फिर हमें उसकी इक्वेशन नहीं बतानी है, जब तक वो हमसे ये ना कहे कि व्हाट इज द, अगर वो हमसे कहता व्हाट इज पैराबोला, तो फिर हमें ये नहीं बताना होता y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, जब कहे कि व्हाट इज पैराबोला तो बोलेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड ए फिक्स लाइन, ठीक है ना। एक ऐसा शेप जिसमें कि किसी उस शेप के ऊपर लाई करने वाले हर एक पॉइंट की डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से क्या रहे, हमेशा बराबर रहे, उस तरह के फिगर को, इस तरह के शेप को हम लोग क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। क्लियर इतनी बात ना। फिर अगर सवाल करे सामने वाला कि अच्छा इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, तब जवाब दिया जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। सिमिलरली जब यहाँ पे आपसे कोई सवाल करेगा व्हाट डू यू मीन बाय इलिप्स, इलिप्स होता क्या है, तो आपको जवाब देना है द ऐसा एक फिगर, मतलब कोई भी वो फिगर जिसके ऊपर लाई करने वाले हर एक पॉइंट की किन्हीं दो फिक्स्ड पॉइंट से दूरियों का सम कांस्टेंट रहे। नहीं बात समझ में आई, दो फिक्स्ड पॉइंट, दो फिक्स्ड पॉइंट से उस पॉइंट की डिस्टेंसेस का सम, मतलब दो अलग अलग पॉइंट लिए गए हैं। पहली बात तो अब की बार, पहले वाले में क्या था, एक फिक्स पॉइंट था केवल, दूसरे में पैराबोला में क्या था, एक फिक्स पॉइंट था और एक फिक्स लाइन थी, अब की बार क्या है, दो फिक्स्ड पॉइंट हैं, दो फिक्स्ड पॉइंट हैं, अब लाइन नहीं है, एक दो फिक्स पॉइंट है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। तो अगर किन्हीं दो फिक्स पॉइंट से कोई भी पॉइंट, मतलब उन सभी पॉइंट का कलेक्शन करिए, उन सभी पॉइंट को कंबाइंड करिए जिन पॉइंट्स की उन दो फिक्स पॉइंट से दूरियों का सम लगातार क्या बना रहे, कांस्टेंट बना रहे। मीनिंग क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो यहां क्लियर हो जाएगा, मुझे पता है, लेकिन मैं बार बार आपसे कहता हूं कि यहां पलटने से पहले समझ जाओ ज्यादा बेहतर है, ठीक है। आप ऐसे समझो जैसे कि आपने किसी फील्ड पे दो फ्लैग पोस्ट क्या कर दिए, गाड़ दिए, ठीक है ना। आप गए फील्ड में ले जाकर के आपने दो फ्लैग पोस्ट गाड़ दिए, ठीक है ना। लीजिए ये हमारे दो फ्लैग पोस्ट हो गए। अब ये दो फ्लैग पोस्ट एक तरीके से क्या हो गए, आपके फिक्स्ड पॉइंट हो गए, फिक्स्ड पॉइंट, क्योंकि वो किन्हीं दो पॉइंट पे गाड़े गए होंगे, तो जिन दो पॉइंट पर आपको आपने उनको लगाया है वो दो पॉइंट फिक्स हो गए। अब आप
ऐसे हिसाब से केवल उन उन पॉइंट्स पर मूव करना स्टार्ट करिए जिस पॉइंट की दोनों फ्लैग पोस्ट से दूरियों का सम एज इट इज बना रहे। एज इट इज का मतलब है ये जरूरी नहीं कि हमेशा 10 ही रहे या 20 ही रहे या 25 रहे 100 रहे, जो भी रहे। अब आपको वही पॉइंट चुनना है जिसकी इस वाले फ्लैग पोस्ट से दूरी और इस वाले फ्लैग पोस्ट से दूरी का जो सम हो वो हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो जब हम ऐसे पॉइंट्स को कलेक्ट करके आपस में कंबाइंड करेंगे तो जो एक शेप बन के आएगी उस शेप को नाम दिया गया है क्या, एलिप्स। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, पक्का? बहुत बढ़िया। देखिए कैसे, मान लीजिए कि मैंने कहा ये एक फिक्स पॉइंट है, किसी भी एक प्लेन पर बनाए गए दो फिक्स पॉइंट, ये दो फिक्स पॉइंट हैं। इन दो फिक्स पॉइंट से हमें उन पॉइंट का कलेक्शन देखना है जिन पॉइंट्स की दूरियों का सम। जैसे सपोज करिए कि मैंने लिया एक पॉइंट यहाँ, ठीक है, अगर मैं पहले एलिप्स बना लूंगा तो ज्यादा आसान रहेगा, नहीं तो फिर वो बन नहीं पाएगा, फिगर अजीब सा बनेगा, ठीक है ना। देखिए पहली बात तो इस टाइप की जो शेप होती है वो एलिप्स कहलाती है, पहले तो इसको दिमाग में बैठा लो, ये शेप एलिप्स है। कैसे बनी है इसको समझिए, हमने क्या किया, दो फिक्स पॉइंट बनाए, दो फिक्स पॉइंट। इन दो फिक्स पॉइंट से मान लो अब इसके ऊपर लाई करने वाला एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, इधर ले लो कोई चढ़ा ऐसे करके, इस पे कितने पॉइंट लाई कर रहे हैं बोलिए, इस फिगर के ऊपर कितने पॉइंट लाई कर रहे हैं सर, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, क्लियर है। उसका कहना यह है आपको सिर्फ, अब मैं ही कह रहा हूं पहले ये एलिप्स बनाया नहीं क्या, जैसे मैंने बना दिया कि पहले बना लेते हैं, क्यों मैंने इसे बनाया, क्योंकि जब मैं यहां पॉइंट पॉइंट बनाता तो ये बहुत बेकार सी शेप बन के आ जाती शायद, क्योंकि मैं इतना एग्जैक्टली तो एकदम यहां पे नाप नाप के बना नहीं रहा हूं, समझे ना। लेकिन आपको करना क्या है, अगर प्रैक्टिकली करोगे तो प्रैक्टिकली यही करना है कि आप दो पहले फ्लैग पोस्ट गाड़ दीजिए, फिर वहां से एक पॉइंट लीजिए, कोई भी एक पॉइंट पे खड़े हो जाइए, उन दो को छोड़ के किसी भी एक पॉइंट पे खड़े हो जाइए। अब उस पॉइंट की पहले वाले पोस्ट से और दूसरे वाले पोस्ट से दूरी निकाल लीजिए, पता कर लीजिए, उनका सम करिए तो पता चल जाएगा इतनी दूरी आ रही है। अब आपको हर वो पॉइंट चुनना है जिसकी दूरी उतनी ही रहे जितनी पहले थी। बोलो बात समझ में आएगी कि नहीं। तो जैसे देखिए, मान लीजिए कि मैंने इस पॉइंट को नाम दिया P1, क्लियर। तो इस पॉइंट की इससे दूरी और इस पॉइंट की इससे दूरी, इस पॉइंट से दूरी, ठीक है ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का सम जो भी आ रहा होगा, अभी पता नहीं कितना आया, जो भी आ रहा होगा अभी बताऊंगा सब भी कितना आएगा, कैसे आएगा, क्या होगा। बहुत बढ़िया कहानी है आज, बहुत मजे की कहानी, इतनी मजे की कहानी है जिसका कोई कहना नहीं, अगर आप इसको दिमाग से पढ़ेंगे तो। अदरवाइज बहुत आसान है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि भाई पैराबोला की तरह आपसे ये भी कह सकता हूं मैं, इस चैप्टर में भी ऐसा है, इस एक्सरसाइज में भी ऐसा है कि कुछ भी कराए बगैर सीधे आपको मैं इक्वेशन बताऊं और क्वेश्चन कराने शुरू कर दूं, आप कर लोगे, क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन जान नहीं पाओगे कि एलिप्स होता क्या है, समझे ना, फायदा क्या उस चीज से, क्वेश्चन कर लिए लेकिन एलिप्स में आ जा। तो बात ध्यान समझो, मान लो इन दोनों का सम हमने किया तो वो कुछ भी, जो भी वैल्यू आई वो कुछ भी आ गई, उसको हमने नोट डाउन कर लिया। अब हमने ये पॉइंट लिया, अब इस पॉइंट की यहां से दूरी और इस पॉइंट की यहां से दूरी का जो सम निकाला हमने, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए जिस पे मैंने तीन तीन डॉट बनाए वो दो एक साथ पेयर है और ये एक साथ पेयर है, ये मेरा हो गया P2, क्लियर है। इसका और इसका सम, इसका और इसका सम आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मतलब ये दूरी और ये दूरी का सम, इस दूरी और इस डिस्टेंस का सम, इन दोनों डिस्टेंसेस का सम क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट, बिल्कुल उतना ही जितना पहले आया था। अब मान लो एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस और इस पॉइंट की डिस्टेंस, ये भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मान लीजिए कि एक पॉइंट ये है या ये है, ये रहा इसका यहां से डिस्टेंस, बहुत ध्यान सुनिएगा, और इसकी यहां से डिस्टेंस का जो सम है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे मान लीजिए कि इस पॉइंट से इससे फिक्स्ड वाले पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी थी 2 यूनिट और इस वाले से थी 8 यूनिट, टोटल मिला के कितनी हो गई, 10 यूनिट। अब उसका कहना है कि ये अगर मान लो 6 हैं तो फिर ये पक्का 4 होनी चाहिए, समझ में आ गई बात। ये अगर 5 है तो ये पक्का 5 होनी चाहिए, मतलब दोनों का सम मिलाकर क्या रहना चाहिए, अब 10 रहना चाहिए। एक पॉइंट की डिस्टेंस का अगर सम, दोनों फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंसेस बन रही है उनका सम अगर 10 आया है तो फिर लगातार बस क्या ही आना चाहिए, 10 ही रहना चाहिए, 10 से ना ज्यादा होना चाहिए, ना एक इंच भी, ना एक सेकंड सेंटीमीटर भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें जो कलेक्शन मिलेगा, जब हम इन सभी पॉइंट को आपस में कलेक्ट करेंगे यानी इनको मिला के कर्व बनाएंगे तो एक बेहतरीन सी शेप बन के आएगी, उस शेप का एक अलग ही नाम होगा, ना वो सर्कल जैसी दिखती है ना वो पैराबोला जैसी दिखती है, वो एक अलग ही शेप है। उससे पहले तक उस जैसी कोई शेप का जिक्र, जब तक एलिप्स के बारे में हमने बात नहीं की, एलिप्स को नहीं जान लिया, तब तक इस तरह की शेप के बारे में कोई जिक्र हमने नहीं किया था। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो इस शेप को कहा गया एलिप्टिकल शेप। अब सवाल उठता है कि इसको बनाने का एक बेहतरीन तरीका क्या भी हो सकता है। सपोज करिए
अच्छा पहली बात, एक बड़े काम की बात, अगर मैं आपसे आपका मैं आपको थोड़ा सा माइंड आपका चेक करना चाहूंगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस और इन दोनों डिस्टेंसेस के सम के बारे में आप क्या कह पाएंगे? इन दोनों डिस्टेंसेस का सम इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस के सम से ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, कम तो हो ही नहीं सकता यार भाई। अगर एक बात तो बताओ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस से कम हो गया तो वहां पॉइंट कैसे चला जाएगा ऊपर? बात समझ में आ रही ना? पहली बात। दूसरी बात, इनके बराबर भी हो गया तो पॉइंट ऊपर नहीं जा सकता, ये सारे के सारे पॉइंट उससे दूर है ना भाई, साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट के ये जो दूरियां है ना, इस पॉइंट की इससे और इससे, जो ये फिक्स पॉइंट है ना, जो ये दो फिक्स पॉइंट है, इन दोनों फिक्स पॉइंट को क्या नाम दिया गया? फोकस नाम दिया गया। लेकिन एक फोकस को अकेले फोकस कहते हैं, लेकिन दो को क्या कहते हैं? फोकाई कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब इस फिक्स पॉइंट का नाम भी क्या रखा गया? फोकस। बट अब की बार पैराबोला में सिर्फ एक फोकस होता है, एलिप्स में दो फोकस होते हैं, तो इसलिए एक फोकस को नाम दिया F1 और दूसरे वाले फोकस को नाम दिया F2। F मतलब फिक्स पॉइंट, F मतलब फोकस, इतना याद कर लीजिए। दो फिक्स पॉइंट हमारे हैं, उन दो फिक्स पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है? फोकस नाम दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी, क्लियर? ये भी श्योरली बैठा लीजिए दिमाग में, जैसे हमने पढ़ा था ट्रायंगल के बारे में कि अगर कोई ट्रायंगल मतलब कोई भी फिगर ट्रायंगल फॉर्म तभी कर सकता है जब किसी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, बात समझ में ना? वैसे हम भी ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंसेस का जो सम है वो पक्का इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस से ज्यादा ही होगा, कम तो कभी नहीं होगा, इक्वल भी नहीं होगा। समझ गए ना? इक्वल हो गया तो भी इलिप्स में बनेगा। समझ में आ रही बात ना भाई? अगर इन दोनों की दूरी के सम के इक्वल हुआ तो पॉइंट यहां कहीं लाई करेगा ना, बीच में कहीं लाई करेगा। क्लियर है? बहुत अच्छे। अब इसके बनाने का तरीका क्या हो सकता है? एक बेहतरीन तरीका, आपने यहां दो झंडे गाड़ दिए, उन दोनों झंडों के बीच में आपने रस्सी ली एक बड़ी, इनसे बड़ी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस से बड़ी। मान लीजिए कि ये आपके पास कितनी है? 6 मीटर। मान लो कि इन दोनों झंडों के बीच की दूरी कितनी है? 6 मीटर। आपने इन दोनों झंडों के बीच में रस्सी, एक रस्सी का सिरा इधर बांधा, एक उस डंडे से बांधा, दोनों डंडों के साथ एक रस्सी बांध दी 10 मीटर लंबी, तो इससे तो ज़्यादा हो गई वो। अब उस 10 मीटर लंबी रस्सी को एक नेल पकड़िए और उस नेल को ऐसे कस लीजिए। इन दोनों के बीच में पहले वो रस्सी स्लेक पड़ी हुई है, स्लेक मतलब ढीली ढाली पड़ी हुई है, उस ढीली ढाली रस्सी को ऐसे पकड़ के खींच लीजिए। खींच दिया, अब खींच के उसको ऐसे मूव करा दीजिए, बस खींचे खींचे मूव कराइए। अब खींचे खींचे मूव कराने का मतलब क्या है कि जब आपने उस रस्सी को ऐसे खींचा होगा तो ये यहां से पांच पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इस पॉइंट को इधर लेके जाएंगे तो ये वाली दूरी ज्यादा, ये वाली क्या होने लगेगी? बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं? पक्का? ये घूमते घूमते जब यहां आएगी तो इन दोनों का सम भी मिलाकर कितने के इक्वल होगा? उतने के इक्वल होगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, इस पॉइंट को भी ये मत घबराइएगा। ये पॉइंट का मतलब क्या है? इस पॉइंट की एक पॉइंट ये भी ले लो जरा, इस पॉइंट को मैंने नाम, चलो ये मैंने नाम दे दिया P3, चलो है ना। अब देखो इस P3 की इस F1 से दूरी, मतलब ये डिस्टेंस और प्लस ये डिस्टेंस, समझ पा रहे हो ना, इन दोनों का सम भी इतने के इक्वल ही होगा। पहले मुझे बताओ आपको ये बात पकड़ में आ गई या नहीं आ गई? क्लियर हो गया इतना कि एलिप्स किसे कहते हैं और एलिप्स के बनने के लिए सबसे जरूरी शर्त क्या है? जैसे सर्कल की जरूरी शर्त थी कि एक फिक्स पॉइंट से सारे पॉइंट बराबर दूरी पर लाई करने चाहिए, समझ में आ रही बात ना? ये भी कह सकते हैं कि सर्कल इज द स्पेशल केस ऑफ एलिप्स, सर्कल इज द स्पेशल केस ऑफ एलिप्स, इस एलिप्स का ही एक स्पेशल केस होता है सर्कल। बोलो कैसे? अगर ये दोनों फोकस कोइंसाइड कर जाएं तो समझो यही क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई ना? ये दोनों फोकस अगर कोइंसाइड कर जाएं, मतलब इनके बीच की दूरी जीरो हो जाए, अगर इन दोनों के बीच की दूरी जीरो हो जाएगी तो ये फोकस यही हमारा क्या हो जाएगा? सर्कल बन जाएगा, और जो ये गोला बनेगा बिल्कुल गोल बनने लगेगा, उससे बराबर दूरी पर रहने लगेंगे सब। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? पक्का? बहुत अच्छे। अब फिर दिमाग लगाना है, इतना आसान नहीं है, बहुत ध्यान से काम करना है। अभी मैंने आपको क्या कहा कि मान लीजिए कि ये, अच्छा इतनी बात समझ में आ गई, तो इसको मिटा करके केवल एक पॉइंट ले लेते हैं ना, ताकि डेरिवेशन क्या सके, मिटा दो इसको। ठीक, अभी तो मैंने केवल आपको समझाया एलिप्स किसे कह रहा है, अब यहां जरा दिमाग लगाओ फिर से। अगर ये एलिप्स है तो ये इसके क्या है? दो फिक्स पॉइंट। इन दो फिक्स पॉइंट को बार बार कह रहा हूं क्या नाम दिया जाता है? F1 और F2, फोकस 1 और फोकस 2। अब मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट है, ये रहा आपका P पॉइंट और ये रहा इससे दूरी, ये P और ये, बहुत ध्यान सुनिए क्या कहती है डेफिनेशन। डेफिनेशन कहती है कि पॉइंट P की इस पॉइंट से दूरी और पॉइंट P की इस पॉइंट से दूरियों का जो सम है वो कांस्टेंट होगा, और वो कांस्टेंट कितने के इक्वल होगा अगर सवाल करें तो? हमने कहा आपकी मर्जी है, के मान लो, एम मान लो, पी मान लो, जो मन करे मान लो, लेकिन हमने इक्वेशन को बढ़िया बनाने के लिए, अच्छा डेरिवेशन करने के लिए, हमने उसको क्या मान लिया? उन दोनों के सम को 2a के इक्वल मान लिया। अभी चिंता मत करिए 2a क्या है, बस 2a मान लिया।
के मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात ना, के भी मान सकते हैं। कांस्टेंट का मतलब सम कांस्टेंट होगा, टू और ए, टू भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, तो टू ए हमने मान लिया कांस्टेंट। उस टू ए का लेने का कुछ वजह होगी, वो भी बताऊंगा, वो टू ए क्या है, क्या वजह है। सबसे पहली बात, इन दोनों का जो सम है वो कितने के इक्वल हो गया, कांस्टेंट होगा, जो कि टू ए के इक्वल होगा। बोले इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं। जो दो फिक्स पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, उन दो फिक्स पॉइंट के, उन दो फिक्स पॉइंट से पास होने वाली, इन दो फिक्स पॉइंट से पास होने वाली एक एक्सेस को हम लोगों ने क्या कहा, मेजर एक्सेस कहा। इस वाले एक्सेस को क्या नाम दिया जाएगा, मेजर एक्सेस नाम दिया जाएगा। बड़े ध्यान सुनिएगा, मेजर एक्सेस। अब यहां पर हम लोग एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस नहीं कहते, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सेस। बहुत ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना, क्लियर रहती बात। इन दोनों फिक्स पॉइंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इन दोनों फिक्स पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब इनके दोनों के जस्ट मिड पॉइंट से पास होने वाली एक एक्सेस को क्या नाम दिया गया, माइनर एक्सेस। माइनर एक्सेस, तो इस पैरा, इस इलिप्स की अभी फिलहाल ये वाली एक्सेस, एक्स एक्सेस वाली एक्सेस को क्या नाम दिया गया, मेजर एक्सेस, बड़ी एक्सेस, और इस वाली एक्सेस को क्या नाम दिया गया है, माइनर एक्सेस। ध्यान सुनिए, ठीक है, अगर ये मेजर और माइनर एक्सेस है तो इसका साफ साफ समझ में आ रहा है कि अच्छा, इस पॉइंट के जो पॉइंट है, ये जो दो पॉइंट मिले मुझे, ध्यान सुनिएगा, अगर मैंने इस वाली एक्सेस को एक्स एक्सेस और जो माइनर वाली एक्सेस है उसको वाई एक्सेस मान लिया, तो ये जो पॉइंट मिला मुझे दोनों मेजर और माइनर एक्सेस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो भी एक स्पेशल पॉइंट है। लास्ट क्लास में जब हमने एलिप्स, सॉरी पैराबोला और सर्किल को पढ़ा था, तो मैंने कहा था इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स मिल रहे हैं हमें, कुछ स्पेशल लाइंस मिल रही हैं जिनके हम स्पेशली नाम रख रहे हैं, जैसे वर्टेक्स नाम रखा था हमने वहां पर, फोकस नाम रखा था हमने वहां पर, क्लियर रहती बात। इसी तरह यहां पर भी इन दो फिक्स पॉइंट का हमने क्या नाम रखा, फोकस, क्लियर, और दोनों का प्लूरल मिला के बोला जाता है फोकाई, क्लियर, जैसे रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, वैसे ही फोकस का प्लूरल होता है फोकाई, क्लियर रहती बात। तो ये दो फोकस का, इन दो फोकस का जो मिड पॉइंट है, या ये कह लो कि इन दो फोकस से पास होने वाली एक्सिस, एक्स एक्सिस, उसी को मेजर एक्सिस कहा गया, और इन दो दोनों फिक्स पॉइंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली जो एक्सिस है उसको वाई एक्सिस नाम दिया गया, उसको माइनर एक्सिस भी कहा गया। उन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको नाम दिया गया सेंटर। क्या नाम दिया गया, सेंटर। अब देखो, पैराबोला में सेंटर नहीं होता, लेकिन एलिप्स में सेंटर होता है। तो एलिप्स का ये जो सेंटर है, चलो इस सेंटर को मैं बल्कि सेंटर नहीं, सी नहीं नाम देता, ओ नाम देता हूं, ओ। ये हो गया सेंटर के कोऑर्डिनेट। बहुत ध्यान सुनो, बड़े काम की बात चल रही है ये। अगर ये समझ में आ गया तो मुझे कुछ भी नहीं करवाना पड़ेगा। जैसे आपको पैराबोला लगा था ना कि सर सब तो आ ही गया था पैराबोला, अगर ये समझ में आ गया तो फिर एक भी क्वेश्चन नहीं कराना पड़ेगा, बिना कराए भी सारे क्वेश्चन कर लोगे। और ये नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तब भी कर लोगे, लेकिन बस फिर रट लेना क्वेश्चन को, ये तरीका होता है। अभी मैं चाहता सारे फॉर्मूले लिखवाता और धड़ाधड़ क्वेश्चन करा शुरू कर देता लाइन से, समझ रहा ना। कल की क्लास में देखना, 30 से 40 मिनट के अंदर ना पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, हो सकता है आज ही काफी कुछ हो जाए इसमें, ठीक है ना, अगर ये डेरिवेशन आपने समझ लिया सही से तो, ठीक है। इस फिक्स पॉइंट को नाम दिया गया, बार बार कह रहा हूं फोकस, इन दोनों फिक्स पॉइंट को, और इनके मिड पॉइंट को नाम दिया गया क्या, सेंटर, क्लियर, ये सेंटर हो गया। ये जो मेजर एक्सिस के दो किनारे हैं, इन दो किनारों को नाम दिया गया है वर्टेक्स। तो इसका मतलब इसमें अब की बार एक वर्टेक्स नहीं है बल्कि दो वर्टेक्स है, समझ में आ रही बात ना। मेजर एक्सिस के एंड को हमेशा वर्टेक्स कहा जाएगा, मेजर एक्सिस के एंड्स को हमेशा वर्टेक्स। बड़ी बात समझ में आ रही है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंटर, जो कि हमेशा फोकस को लाई करने, फोकस के हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करेगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। ये जो दो फिक्स पॉइंट है इनको नाम दिया फोकस, इन फोकस के कोऑर्डिनेट भी फिक्स्ड होंगे। जब ये फिक्स पॉइंट है तो इनके कोई ना कोई फिक्स्ड कोऑर्डिनेट होंगे। अगर मैंने इसको सेंटर मान लिया तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, आप खुद जान रहे हैं, जीरो कमा। अब चूंकि मैंने इसको एक्स एक्सिस कहा और इसको वाई एक्सिस कहा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जीरो कमा जीरो। अब ये पॉइंट जो है, जितनी दूरी पे ये होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है, आधा मिड पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इस पॉइंट की दूरी और इस पॉइंट की दूरी यहां सेंटर से क्या होगी, बराबर। अगर बराबर दूरी होगी तो मेरे को बता दो जरा, इस पॉइंट पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, मान लिया हमने सी कॉमा जीरो, अपनी मर्जी से माने हैं, परेशान मत होइएगा कि सी कहां से आ गया सर, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम सी कॉमा जीरो ले लो, तुम्हारा मन करे सर मेरा नाम तो अनुज है तो ए कॉमा जीरो ले लो, तुम्हारा मन करे मेरा नाम पंकज है तो भाई पी कॉमा जीरो ले लो, जो मन करे कर लो, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेजर एक्सेस को एक्स एक्सेस ले रहे हैं फिलहाल, ठीक है, अभी ले रहे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि मेजर एक्सेस हमेशा एक्स एक्सेस ही होगी, वो बाद में आएगा ना, पहले तो एक ही को पकड़ लो ना, पहले इसको समझ। अच्छा ये किसने बताया, अच्छा रहने तो है ना, इधर ध्यान लगाओ, बस जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान लगाओ, ठीक है,
कुछ बहुत सी चीज़ें गलत कन्फ्यूजन में लेकर के बैठे हो, उसको छोड़ दो, अभी अभी बस इस पर फोकस करो, समझ गए ना, जो बता रहा हूँ उसको ध्यान लगाओ, ठीक है। बहुत सोच समझ करके बोला जाता है जो भी बोला जाता है, यहाँ खड़े होकर, ठीक है ना। तो फिलहाल ये बताइए क्या सी कोमा जीरो, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ आप अपना दिमाग लगाओ। फिलहाल जब तक मैं पूरा ना कर दूँ इस टॉपिक को तब तक दिमाग मत लगाना अपना, तब बोलना कि सर ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है। ये हो गया सी कोमा जीरो, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस सी कोमा जीरो, कारण क्योंकि जितना दूर हुआ है उतना ही दूरी है, लेकिन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब प्लस सी कोमा जीरो और माइनस सी कोमा जीरो। बोलो को डाउट हो तो एक्स एक्सिस पे वाई का कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है। क्यों जरूरी नहीं है, क्यों जरूर, क्या पढ़ रहे हो, पढ़ क्या रहे हैं, अरे पहले बताओ तो क्या पढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे समझने थोड़ी होता है, हम क्या पढ़ रहे हैं। हाँ वेरी गुड, सही बोल रहे हो, डरो मत, सही बता रहे हो, क्या पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला ही वर्ड क्या है, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप इस सब्जेक्ट में, और कोऑर्डिनेट को प्लस माइनस के बगैर नहीं लिख सकते, दूरी को हमेशा पॉजिटिव लिखा जाता है। क्यों सोच रहे हो ऐसा, तुम अभी से इतना कॉम्प्लिकेटेड और आसान और ये सब सोचने लगे, सुनो ना, अगर ये एलिप्स के बारे में, अगर ये एलिप्स की सुनो ये बच्चे, अगर इस एलिप्स की खोज तुम कर रहे होते, यानी कि एलिप्स अगर तुमने खोजा होता, तो तब तुम सोचते ये बात कि यार मैं सोच रहा हूँ कि बेहतर बहु बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, कि इसको प्लस सी कॉमा जीरो, इसको भी प्लस सी कॉमा जीरो लो, ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना हो। अब ये आपका सोचा हुआ थोड़ी नहीं, तो ऑलरेडी किसी ने बता रखा आपको, बस सुनना है, समझ गए, ये ऑलरेडी खोजी जा चुकी चीज है, तो इसको तो आपको मानना है बिना किसी हिल उजत के, बिना किसी डिबेट के, ठीक है ना, समझ में आ रही बात ना। ओके जी, तो वैसे भी भाई नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट होगा हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, क्लियर। चलो जी ये बच्चे बस बात ना करो, इधर ध्यान लगाओ। अब मैंने आपको अभी भी क्या बताया, थोड़ी देर पहले मैंने कहा इस दूरी, मतलब ध्यान दीजिएगा, पी एफ वन प्लस पी एफ टू कि जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी, हमने उस कांस्टेंट को कितने के इक्वल माना, 2a के इक्वल माना, 2a। आप में से कोई मुझे बता पाएगा कि ये फिगर कौन सी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, जैसे पैराबोला के बारे में बताया था हमने, दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है। बोलो कोई समस्या हो तो, अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब फोकस से इस वर्टेक्स की दूरी, बच्चे बात ना करो इधर ध्यान लगाओ, फोकस से इस वर्टेक्स की दूरी और फोकस से इस वर्टेक्स की दूरी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, सिमेट्रिक है, बिल्कुल सिमेट्रिक डायग्राम होने के कारण, क्लियर रहती बात। अभी मुझे आप बता दीजिए ये जो आपका एफ टू, सुनो ध्यान से, अब मैंने क्या कहा, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितने के इक्वल है, 2a के इक्वल। अगर मैं इस पॉइंट को ले लूं, क्या नाम दे दूं इस पॉइंट को, पी वन, क्लियर है, तो क्या आप में से कोई मुझे बता पाएगा कि P1F1 प्लस P2F2, पकड़ पा रहे हो कि नहीं बातें, सॉरी P1F1 प्लस P1F2, नहीं समझे, P1 या F1 P1 और F2 P1, ये कितनी होनी चाहिए, बोलो, अरे बताओ ना भाई, बस खो गए तुम लोग कहीं, इतने आराम से समझा रहा हूं ना जानबूझ के, तो तुम उसमें खो गए। अब मैं चाहता अपनी स्पीड वाली, अपनी वाली स्पीड पकड़ के पढ़ाता ना, तो तुम्हारा दिमाग हो सकता है शायद कुछ खुल जाता, देख रहे हो, यहां बता रहा हूं, देखो F1 P1 और F2 P2 क्या होना चाहिए, 2a के इक्वल, ये भी कितने के इक्वल होगा, 2a के इक्वल। बोलो इतने में कोई डाउट हो तो, बस मुझे इतना बता दो, अगर आप में से कोई भी समझदार स्टूडेंट है, कि ये V1 और ये V2 इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, अगर तुम मुझे ये बता दो, थोड़ा सोच कर माइंड लगा कर, V1 और V2 वर्टेक्स 1 और वर्टेक्स 2 के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, मजा आ जाएगा, रटाएंगे लोग, आप देखेगा भी क्लास में जब जाओगे ना, और क्लास में जब ये चैप्टर होगा तो रटाएंगे। दोनों के बीच में 4 है, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, जैसे ये यहां से यहां तक अच्छा कितनी, अगर मैं तुमसे खाली ये पूछूं दोनों फोकस के बीच की दूरी कितनी है, तो जवाब आएगा 2c, बोलो है कि नहीं है, दोनों के बीच की दूरी। अब ये मत कहना ये प्लस का सी और ये माइनस का सी, जीरो हो गया सर, डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस कितनी होगी, सी ये और सी ये मिला के कितनी हो जाएगी, 2c, क्लियर है, क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छी। लेकिन उसी तरह मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, यहां से लेके यहां तक की दूरी और यहां से लेके यहां तक की दूरी का जो सम है वो 2a के इक्वल है। अब मेरा मन ये हो गया, मैं आपको बार बार कह रहा हूं मैं किस अंदाज में पढ़ा रहा हूं, आप शायद उसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे, पहले स्कूल में हो गया होता
तो आपको तब मजा आता, तब लगता है यार वाकई में कुछ मजा आ रहा है, अंदर से एकदम मलग ही लग रहा होता। कारण ये क्योंकि वहां तुम्हें पता चलता, अरे यार ये सब तो रटा दिया गया था कि मेजर एक्सिस 2a होती है, माइनर एक्सिस की लेंथ 2b होती है, समझ गए ना, इसेंट्रिसिटी ये होती है, रटवा दिए फॉर्मुले, बस ये फॉर्मुले होते हैं। लेकिन आप दिमाग लगाओ, मैंने कहा v1 और v2 के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो मैं बोलूंगा सर v1 v2 बराबर 2a होना चाहिए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? नहीं आई? आएगी, आएगी जब तुम दिमाग लगाओगे। ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, ये मान लो यहां से कितनी थी 2 मीटर, और ये यहां से कितनी थी 8 मीटर, दोनों का सम बताओ 10 मीटर होगा। बहुत अच्छे। अब इस पॉइंट से इसकी दूरी और इस पॉइंट से इसकी दूरी, जरा एक बात बताओ, जब मैंने इसको लिया, आप ऐसे समझो, इसको मैंने मान लिया कितना x, इसको अभी वैसे के लिए, अच्छा चलो x नहीं मानता अभी के लिए, ये कोई मानना नहीं है इसको, मैंने मान लिया इसको यहां से लेके यहां तक की दूरी को कितना m, और ये यहां से लेके यहां तक कितना है बोलो 2c। तो जरा मुझे बताओ, अगर मैंने आपसे कहा ये P1 F2 ये कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका m प्लस 2c हो गया ना, और m प्लस 2c कितने के इक्वल आया बोलो जल्दी, 2a के इक्वल। m प्लस 2c कितने के इक्वल होगा, 2a के। ये तो मैंने यहां बता दिया, वो तो डेफिनेशन ही कह रही है भाई, इस बात को तो डेफिनेशन ही कह रही है कि इस फोकस से दूरी और इस फोकस से दूरियों का जो समय वो कितने के इक्वल होगा, m प्लस, अच्छा हाँ m प्लस ये होगा m प्लस 2c प्लस m बराबर कितना होगा 2a, बोलो होगा कि नहीं। अब जरा यहां जाओ, ये कितना है m, क्या बच्चे देखो ये बताओ, तो सुनो P1 F2 छोड़ो यार, P1 F2 प्लस P1 F1 कितने के इक्वल होना चाहिए, जरा P1 F2 बताओ कितने के इक्वल है, P1 F2 मैंने कितना माना है m, और P1 F1 मेरा कितना हो जाएगा 2c प्लस m, हो गया m प्लस 2c प्लस m बराबर 2a, 2m प्लस 2c बराबर 2a, बोलो बात समझ में आएगी कि नहीं। अब जरा इस पे आ जाओ, v1 v2 तक की दूरी को जानो, अब v1 और v2 के बीच की जो गैप है, ये अगर इधर m है तो ये कितना होगा बोलो ना बच्चे, ये कितना होगा सिमेट्री से, ये हो गया m प्लस c प्लस c प्लस m, m प्लस c प्लस c प्लस m कितना हो गया 2m प्लस 2c। जरा ऊपर वाली इक्वेशन में देखकर बताओ 2m प्लस 2c कितने के इक्वल है, 2a के इक्वल। तो इसका मतलब v1 v2 कितने के इक्वल होगा, अब कोई डाउट रह गया पक्का, सोच लो आराम से, और इसको जरूर ये रिकॉग्नाइज करना, ध्यान लगाना थोड़ा सा, कि जब क्लास शुरू हुई होगी और क्लास में जब ये एलिप्स बताया जा रहा होगा तो उसमें क्या बताया जा रहा है, थोड़ा सा तुम थे तब तुम्हें इसकी इस क्लास की अहमियत का अंदाजा होगा। ठीक है, हाँ P1 F2 V2 हाँ ठीक है, बात वही है, हाँ ठीक है वही कह रहे हो, सही कह रहे हो, वही बात वही, वो तो कैसे भी कर लो, मैं तो ये चाह रहा था, मुझे ये लग रहा था कि अगर आप जरा से भी, पता है इसी से साफ जाहिर होने लगा कि आजकल का जो स्टूडेंट है इतना कम सोच रहा है, इतना कम सोच रहा है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं पूछी थी मैंने, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी, मैंने सोचा था कि आप दिमाग लगा के ये अंदाजा लगा लेंगे। सुनिए ध्यान से, जब हम यहां से लेके यहां तक की दूरी नापेंगे ना, तो उसमें ये m दो बार नप जाएगा, ये वाला m दो बार नपेगा, क्योंकि एक बार तो P1 F1 में नप जाएगा और यही m एक बार इसके साथ नपेगा, तो हम कहेंगे दो बार m नप गया, एक काम कर लेते हैं, एक बार m को इधर कर लेते हैं, एक बार m को इधर कर लेते हैं, और उसके बीच की 2c ले लेते हैं, तो पूरी मिला के कितने के इक्वल होगी, 2a के इक्वल होगी। इतना दिमाग लगाओ काम बन जाएगा, ये सब इतना जो मैं समझा रहा हूं, इतना बारीकी में इतना डिटेल में जा करके इसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर तुम इतना करने के बाद भी समझ जाओ और किसी को दूसरे व्यक्ति को जब कोई पूछे तो उसको बता सको, तो भी समझ लीजिए कि हमारी आज की क्लास कारगर हो गई, आज आप जो पढ़ रहे थे वो कारगर हो गया, वो कामयाब हो गया, समझ गए ना। हाँ बोलो, 2m क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो, ये किसने कहा, नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्यों मैं ऐसे बातें करूंगा, मैं ऐसे कोई बात नहीं करूंगा, जो बस मुझे पता है मैं उतने की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, क्या पता है मुझे, मुझे हमेशा के लिए ये पता है कि इन दोनों दूरियों का जो समय वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बात खत्म। नहीं समझे, जब मैं इस कील को खींचते खींचते यहां ले जाऊंगा तो मुझे जरा बताओ, एक बार ये कील जब यहां खींचेगी तो उस रस्सी के दो टुकड़े होंगे, एक ये और एक ये, दोनों एक दूसरे के ऊपर कॉइंसाइड कर रहे होंगे, जब वो कील यहां पर ये कील यहां पे होगी, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, एकदम टाइट करके रखेंगे तो ये प्लस ये पूरी मिलाकर कितने के इक्वल होगी, उस रस्सी की लंबाई के इक्वल ही तो होगी,
हो गई ना। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी 2a, यहां से लेके यहां तक की दूरी भी, बोलो ना ध्यान से, यहां से लेके, अरे यार सुनो ना भाई, यहां से लेके यहां तक की दूरी 2a, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 2a, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस भी 2a। गजब, नहीं समझ में आ रहा है? और समझो, मजे लो, मुझे बताओ, v1 f1, नहीं समझे, v1 f1 इज इक्वल टू v2 f2 इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, बोलो 2a, या इज इक्वल टू v1 v2 इज इक्वल टू 2a। इतने किसी को डाउट हो तो बोलो, दिमाग लगा लो, जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत धीमे धीमे बता रहा हूं, समझ में आ गया कि नहीं? ये क्या बताया, v1 f1 इज इक्वल टू v2 f2, मतलब इस v1 और इस f1 तक की दूरी का सम, ये तो ये रहा ना, यही तो है, ये v1 से लेके f1 तक की दूरियों का सम। मतलब कैसे भाई? ये नहीं, नहीं ये 2a के इक्वल नहीं होगा, वो मैंने गलत कर दिया, आप बात नहीं समझ रहे हो, बताते तो फिर पहले मुझे, ठीक है ना, ध्यान लगाओ, क्योंकि इसमें तो एक ही m आया ना, दो m आने चाहिए थे, उसमें केवल एक ही m आया, वो बस मैं बताना, दिमाग में मेरे ये चल रहा, ये सही मायनों में क्या बताना चाह रहा हूँ, ये प्लस ये बराबर 2a, फिर ये प्लस ये बराबर 2a, यहां से लेके यहां तक 2a, क्लियर, और ये प्लस ये 2a, और इसके अलावा कोई भी पॉइंट हो पूरे एलिप्स के ऊपर, उन सब दूरियों का सम हमेशा 2a। बोलो यहां तक कोई डाउट हो तो, पक्का बढ़ जाएं आगे, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन को ड्राइव करना है, बार बार कह रहा हूं, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये जो 2a है, व्हाट डू यू मीन बाय 2a, अब इस 2a को मैंने क्या नाम दे दिया, आपने बोला सर ये v1 v2 की दूरी कितने के इक्वल आ गई, 2a के इक्वल, मतलब आप बोल चुके हैं कि v1 v2 मतलब दोनों वर्टेक्स के बीच की दूरी 2a, और दोनों वर्टेक्स के बीच की दूरी को क्या कह सकता हूं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, क्या बात है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, नहीं समझे, क्योंकि आपने क्या बोला इसको, इस वाली एक्सेस को आपने क्या नाम दिया है, मेजर एक्सेस, ठीक है, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली जो एक्सेस होगी उसको क्या नाम दिया जाएगा, माइनर एक्सेस, अभी उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे हम लोग, सिर्फ मेजर एक्सेस पे फोकस कर रहे हैं। बोलो इतने में कोई किसी तरह का डाउट अगर आपके दिमाग में बन रहा हो तो मुझे बताइए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं, हो गया श्योर, बहुत अच्छे, इसको नोट डाउन करने की ऐसी खास जरूरत नहीं है, समझ में तो आ गया ना, ठीक है, अब करना है, ओके चलिए देखिए, अब क्या करना है, अब करते हैं बात इक्वेशन की, एलिप्स की इक्वेशन की, आखिर एलिप्स की इक्वेशन बनेगी कैसे, ठीक है, तो सुनो ध्यान से, अब बड़े काम की बात, क्या मैंने इससे पहले जो आपको इक्वेशन डिराइव करवाई थी पैराबोला की और सर्कल की, दोनों करवाई थी, वो दोनों इक्वेशन डिराइव कराते समय मैंने आपको क्या बताया था, कि जो दो फिक्स पॉइंट, मतलब जो भी फिक्स पॉइंट होगा या फिक्स लाइन होगी उसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते, वो फिक्स हो गया, जब नाम ही में लिखा है उसके क्या है, फिक्स, तो वेरिएबल कौन होता है, वो पॉइंट जो मूव कर सकता है, वो पॉइंट जो सर्कमफ्रेंस पर लाई करता है, वो पॉइंट जिनको हम कह रहे हैं कि इन सभी पॉइंट का कलेक्शन है, मतलब दिस पॉइंट इज अ वेरिएबल पॉइंट होगा, तो इस वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मान लेंगे बच्चों, एक्स कॉमा वाई, मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, पहले भी ऐसे मनवाए थे, ठीक है ना, क्या माने इसके कोऑर्डिनेट, एक्स कॉमा वाई, क्लियर, अब इसके कोऑर्डिनेट अगर हमने x, y मान लिए, तो अभी अभी हमने क्या लिखा था, जरा ध्यान लगाओ यहां पर, अब देर मत लगाना, आप टाइम इधर उधर मत लगाना, दिमाग लगाना ध्यान से, pf1 plus pf2, बोलो कितने के इक्वल, 2a के इक्वल, pf1 plus pf2 is equal to 2a, what do you mean by pf1, pf1 मतलब, ए बच्चे इधर ध्यान लगाओ, pf1 की वैल्यू निकलवाओ, x माइनस ऑफ माइनस सी का होल स्क्वायर, मैं ये क्या लगाने जा रहा हूं सब, डिस्टेंस फॉर्मूला, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, बोलो कोई डाउट हो तो, ये बन गया pf1, क्लियर है, फिर आ जाओ जी प्लस का pf2, मतलब अंडर रूट, फिर से x1 माइनस x2 मतलब x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, बोलो इतने में कोई डाउट हो तो, पक्का बहुत बढ़िया, इसको मैं चाहूं तो क्या ऐसा कुछ लिख सकता हूं, x प्लस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज प्लस में, प्लस में अंडर रूट के अंदर x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 2a, क्या ऐसा कुछ लिख सकता हूं, बहुत बढ़िया, अब जरा इधर आ जाओ, अगर मैं इसको कह दूं अंडर रूट x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
इज इक्वल टू 2a माइनस अंडर रूट x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी? पक्का देख लो आराम से, यहां तक जल्दी देखो बताओ। बहुत बढ़िया, चलो जी अब क्या करेंगे? ऐसा क्यों किया? क्योंकि सर स्क्वायर हटाने का मन हो रहा होगा अगर आपका, तो अक्सर जब इस तरफ रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू ए होता है ना, तो फिर हम स्क्वायरिंग ऐसे नहीं करते, बल्कि जो दो रूट एक तरफ होते हैं उनमें से एक रूट को साइड में ले जाकर के तब स्क्वायरिंग करते हैं। पता है कि नहीं ये बात? अगर कहीं लिखा हो अंडर रूट टू प्लस थ्री एक्स माइनस अंडर रूट टू माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू फाइव, अब मुझे इसकी स्क्वायरिंग करनी पड़ जाए तो मैं इधर के इधर ही होल स्क्वायर नहीं करता। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी जब आएगा तो दोनों रूट रह जाएंगे, फायदा क्या होगा मुझे? अगर मैं एक रूट को उधर भेज दूंगा तो कम से कम एक रूट तो गायब होगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? इसलिए मैंने क्या कर दिया, इस वाले रूट को यहीं रखा, इसको उस साइड ले गया। बोलो यहां तक कोई समस्या है? नहीं जी। अब क्या कर दूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड की स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करने पर ये कुछ ऐसा बन जाएगा, x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बनेगा 2a माइनस अंडर रूट x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोले तुम्हें कोई डाउट हो तो? अब ये बन गया, ये तो रहेगा x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, लिख दूं डायरेक्ट x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू इंटू टू ए इंटू अंडर रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो कोई डाउट हो तो? क्लियर हो गया इतना? एक बार फिर से बोलिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। यहां तक कोई समस्या? मैंने पहले कहा था कि ये पैराबोला की तरह या सर्किल की तरह बहुत आसानी से नहीं सॉल्व हो जाएगा, यह बहुत आसानी से डेराइव नहीं हो जाएगा और ये करवाया भी नहीं जाएगा, परेशान मत होइए, ठीक है ना? पहले बताओ यहां तक क्लियर हो रहा है आपको? तो इसको आगे बढ़ा करके अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां लिख देता हूं, ठीक है ना? देखिए क्या बनेगा, एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर ठीक है प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा टू ए का होल स्क्वायर मतलब फोर ए स्क्वायर हो गया। ये बताइए क्या हो जाएगा, एक्स प्लस का एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का फोर ए इंटू में अंडर रूट के अंदर, बोलो ना भाई, x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। इसको ओपन कर दो, बोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर से x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू सी एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर फोर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू सी एक्स, फिर प्लस का कितना वाई स्क्वायर माइनस का फोर ए अंडर रूट के अंदर x माइनस सी का होल स्क्वायर ठीक है ना, x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, पक्का? बहुत अच्छे। इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, इस सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर कैंसिल। बोलो कोई डाउट हो तो? वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कैंसिल, भाई वाह क्या कहने। ये माइनस का टू सी एक्स इधर आ गया तो क्या हो गया, वेरी गुड, टू सी एक्स प्लस टू सी एक्स इज इक्वल टू फोर ए स्क्वायर माइनस का फोर ए, नहीं समझे, फोर ए स्क्वायर माइनस का फोर ए अंडर रूट के अंदर कितना एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस। बोलो यहां तक कोई समस्या हो तो? अब तुम्हें अंदर ही अंदर मन करने लगा होगा, सर ये ना हमारे लिए तो वही ज्यादा अच्छे हैं जो सीधे बता दें कि इक्वेशन ये होती है। अगर ऐसा मन आपका करने लगा है तो आपको इस चीज पर गौर करने की जरूरत है कि आप अपनी जिंदगी को बहुत ही बुरी तरीके से बर्बाद करने के चक्कर में लगे हैं, शॉर्टकट के चक्कर में। तो शॉर्टकट ज्यादा मत मारिए, ठीक है ना, जहां जहां मौका मिले। तो मैं ही खुद बहुत सारी चीजों को बोल देता हूँ, भाई इसकी डेरिवेशन के चक्कर ना पड़ो। कारण क्योंकि खुद ही मुझे पता है कि अगर डेरिवेशन कराने लग जाओ तो ऐसी हालत होगी, पूरी क्लास एक डेरिवेशन में चली जाएगी, ठीक है ना? तो अब यहां लगाओ दिमाग, 2cx plus 2cx मतलब 4cx, इन दोनों से क्या कॉमन आ गया 4a, क्या बन जाएगा यहाँ, ये बन जाएगा आपका 1, नहीं a बचेगा, a माइनस अंडर रूट x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बोले तुम्हें कोई डाउट हो तो? इस 4 से ये 4 भी क्या हो जाएगा कैंसिल, इसको कह दूंगा cx अपॉन a इज इक्वल टू a माइनस अंडर रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई समस्या हो तो? मैंने क्या किया, ये a नीचे ले गया, समझ पा रहे हो ना? फिर इसको भी मैं यहाँ ले आया cx अपॉन a माइनस a,
इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सब क्यों कर रहा हूँ, ये सब क्यों कर रहा हूँ, ताकि स्क्वायर रूट को पूरी तरीके से गायब कर सकूं। एक बार स्क्वायरिंग करने पे एक स्क्वायर रूट गायब हुआ, अब दोबारा फिर स्क्वायर रूट करूंगा तो अब चूंकि मैंने ऐसा बचा लिया उधर जो अकेला स्क्वायर रूट है, तो फिर से स्क्वायरिंग करने पर वो क्या हो जाएगा, एक बार ये स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, अब फिर से करूंगा स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब दोनों साइड की स्क्वायरिंग करूंगा तो ये टर्म बन जाएगा सी एक्स अपॉन ए माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर करूंगा तो बोलो क्या आ जाएगा बच्चे, बोलो को डाउट हो तो। बहुत अच्छे, ये आ गया आपके पास सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर प्लस का ए स्क्वायर, फिर माइनस का टू सी एक्स अपॉन ए इंटू ए इक्वल टू, बोलो ना इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू सी एक्स प्लस का वाई स्क्वायर। इतने में कोई डाउट है, इस ए से ये ए कैंसिल, क्या बच्चे माइनस का स्क्वायरिंग करते तो प्लस हो जाता है ना यार, स्क्वायरिंग करेंगे ना भाई इसकी, क्या कर रहे हो, स्क्वायरिंग करने पर प्लस हो जाता है, क्लियर है, नेगेटिव का भी स्क्वायर करो तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, हो गया ठीक है, तो ए से ए कैंसिल। अब बताओ जरा क्या आ जाएगा, ये बच गया आपके पास, ये देखो क्या बचाया, यहाँ ध्यान लगाओ, इस ए से ये ए कटाते ये क्या हो गया माइनस टू सी एक्स, यह क्या हो गया, उड़ा दूं पक्का, ठीक बहुत अच्छी, ये उड़ गया, बोलो को डाउट हो तो, बचा क्या, ये बचा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है ये ले आएंगे इधर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर को उधर ले गए और इस वाले को उधर ले गए, क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, नहीं समझे, फिर प्लस का कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, बोलो इतने में को डाउट हो तो, समझ पा रहे हो, ठीक है ये आ गया क्या ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर, यहां से एलसीएम लेकर के ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर, बोलो को डाउट हो तो, पक्का आगे बढ़ूं क्या, ठीक थोड़ा सा देखते हैं भाई अगर जगह बन जाए यहां तो, नहीं तो गड़बड़ हो रहा है मामला, ठीक है ना, बोलो बात समझ में आ रही है, नहीं जाएगा ओके, चलो तो फिर यहां तक पहले नोट करो उसके बाद देखते हैं, ठीक है ना, देखिए अब यहां के बाद यहां से इसको मैंने मिटाया, ये जो चीज मैं यहां से लेके चला था ये तो समझ में आई गई पूरी तरीके से, मैं इस वाली इक्वेशन को उठा रहा हूं और यहां ले जा रहा हूं देखो, ठीक है यहां से मिटा करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सुनो भाई बात ना करो, अब बताओ क्या बन गया, सर ये हो गया कुछ ऐसा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चे यहां से क्या कॉमन आ गया एक्स स्क्वायर, क्या बचा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस इतना ही है ना, वाह भाई वाह क्या कहने, मजा आ गया, अब बताओ क्या मजा आया, डिवाइड बाई, मैंने बातों बातों में जिक्र कर दिया था अभी आपसे कि अगर कोई टीचर होगा वो कहां से शुरू करेगा, जो अभी मेरा नतीजा निकल के आएगा यहां से शुरू करेगा, क्या कहेगा कि भाई एलिप्स की इक्वेशन ये होती है, क्या होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। आप सोच रहे होंगे सर ये बी कहां से आ रहा है, बी तो यहां कहीं जिक्र ही नहीं हुआ अब तक, आ जाएगा बी भी, परेशान मत होइए वो बी भी आ जाएगा, क्लियर, अब समझो कैसे, डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड किससे डिवाइड किया बच्चे ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, बोलो इसको डिवाइड करते क्या बनेगा वन, वेरी गुड वन इज इक्वल टू, जब इसको डिवाइड कराऊंगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, नहीं समझे, बहुत बढ़िया। अब क्या कहा इसने, इसने कहा भाई एक मजे की बात हो गई, क्या कहा, ये ए स्क्वायर क्या है कॉन्स्टेंट, ये सी स्क्वायर क्या है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट माइनस कॉन्स्टेंट भी कॉन्स्टेंट, इसने कहा इसकी जगह एक काम कर लेते हैं कि नया कॉन्स्टेंट ले लेता, अच्छा सा नहीं लग रहा देखने में, ये ए स्क्वायर है तो मजेदार बनाने के लिए क्या कर दो इसको बी स्क्वायर ले लो, ठीक है ना, तो मतलब हमने यहां पर ले लिया लेट, लेट भी कर सकते हो आप, ठीक है ना, कह सकते हो लेट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, क्लियर, तो बताइए नई इक्वेशन क्या बन गया, मिटा दू ये, बहुत बढ़िया, बताइए क्या इक्वेशन बन के आई, गजब की एक इक्वेशन बन के आई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये वाला और प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन ये टर्म क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है ना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, और मैंने आपसे कहा था एलिप्स का ही एक स्पेशल केस होता है क्या सर्कल, ठीक है ना, अभी वो भी बताएंगे क्यों कैसे हो गया, पहले मुझे बताओ यहां तक बात पकड़ में आई कि नहीं आई, बार बार कह रहा हूं डरिएगा मत, इस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के मत डरिएगा, ये ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या है बी स्क्वायर के इक्वल है,
ठीक है, कैसे आया, कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, आपके दिमाग में ये सवाल उठेगा। अभी परेशान मत होइए, ये सवाल भी दूर कर देता हूँ, कर दूँ? ओके, ध्यान लगाओ, ये बोलो, अगर तुमसे पूछूं यहां से लेके यहां तक, बोलो कोई बताएगा, V1 V2 की दूरी बताओ, 2a, तो ये बताओ बच्चों, ये बताओ बच्चों, कोई डाउट तो नहीं, बहुत बढ़िया। अगर ये a, ध्यान दीजिएगा, ये a आपका हो गया ये, अच्छा, और ये देखो, ये देखो, अच्छा, इसमें अगर मैंने यहां से कह दिया 2c बराबर, एक मिनट, है ना, ये हो गया आपका 2a का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका, ना इससे नहीं आएगा, रुक जाओ, इसको लेते हैं, ठीक है ना, इससे लेंगे, इससे, ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया, बी, तो ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर, पहले चलो करो, अच्छा इसको नोट डाउन करो एक बार, है ना, अभी देखते बताते हैं, ठीक है ना, देखो यहां ध्यान लगाओ, अब सर ये जो इक्वेशन बनाई, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, आपका मेन फोकस तो किस पे होना चाहिए, सबसे मेन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस तो आपका इस पे होना चाहिए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अगर पहली बात तो मैं आपसे कहूंगा, अगर आप वाकई में एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आप मैथमेटिक्स को चाहते हैं कि सीख जाएं, मजा करें उसमें, तो फिर आपको ये समझ में आना चाहिए सब कुछ जो जो मैंने बताया, इतनी लंबी कहानी। और अगर नहीं भी जाना चाहते, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते, भैया ठीक है, ऊपर ऊपर से काम चलाना है तो ऊपर ऊपर से काम चलाना है, केवल सब भूल जाओ, सब भूल जाना, बस ये याद रखना कि एलिप्स की इक्वेशन होती है x² + a² + y² + b² = 1, बस अब इसमें, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ इसमें क्या कहा जा रहा, होती है, अब होती है तो फिर अगर तुम नहीं जानना चाहते तो मैं क्यों बताऊँ कि क्यों होती है, बस मान लो कि होती है, नहीं तो अगर तुम कहोगे नहीं सर क्यों होती है तो फिर मैंने सब बता दिया, देखो ये रहा यूं होती है, ठीक है ना, क्लियर, ओके जी। अब ये जो मैंने आपको बताया a² - c² ये कितने के इक्वल होगा, b² के इक्वल, बोलो मैं इसको यहाँ से मिटा दूँ क्या, अरे नहीं ये नहीं मिटाते, ये मैंने गलत बनाई, ये वाले नहीं लेते, देखो अच्छा पूरा ही लिप्स हटा देता हूँ, हटा दूँ ये लिप्स, दोबारा बनाते हैं ना, दोबारा बना देते हैं, क्या दिक्कत है, उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बन रहा है, ज़्यादा चीज़ें हो गई, अब देखिए एक नया लिप्स बनाते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज दिस, बोलो कौन बताएगा, F1 F2, मन करे इधर F1 इधर F2 कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मत सोचना कि सर आपने अभी थोड़ी देर पहले इसको F1 लिया था इसको F2 लिया था, इसका क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, ओके बताओ इसके कोऑर्डिनेट C, 0, इसके कोऑर्डिनेट -C, 0, क्लियर, ये दूरी बता दो, ये दूरी मुझे बता दो, ये दूरी मुझे बता दो, ये मैंने मान ली कितनी, बी, ये मैंने मान ली कितनी, बी, बहुत ध्यान सुनिएगा, ठीक है, अगर ये बी मान ली तो जरा ध्यान लगाइएगा, ये देखिएगा, ये बोलो ये कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम लगा करके √b² + c² बोलो होगी कि नहीं, होगी, बहुत अच्छे, अगर तुम में से कोई भी मुझे बता दे ये कितनी होगी, वेरी गुड, कितनी हो जाएगी, √b² + c² बोलो, गुड आउट हो तो पक्का, जरा मुझे बताओ बच्चों ये वाली दूरी और इस वाली दूरी का सम क्या होना चाहिए, 2a, वेरी गुड, यही तो मन खुश होता है जब बच्चे आगे से आगे बताते हैं कि सर ये तो समझ में आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, पहले मैं बार बार कह रहा हूँ फिर से, ये BA है, ये C है, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहले ही बताया था मैंने, तो पाइथागोरस लगा के इसकी हाइपोटेन्यूज निकाल ली, √b² + c², ये हो गई √b² + c². अब डेफिनेशन ऑफ इलिप्स कहती है कि पॉइंट से इस फोकस की दूरी और पॉइंट से इस फोकस की दूरी का सम 2a के इक्वल होगा, होगा, बहुत बढ़िया, तो बच्चे मैं यहां से कह सकता हूं √b² + c² + √b² + c² बराबर कितना होगा, 2a, यानी कि 2 × √b² + c² कितना होगा, 2a, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायरिंग बोथ साइड, या कितनी बार स्क्वायरिंग करवाएंगे सर आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्लियर, स्क्वायरिंग कराया बताया क्या हो जाएगा, b² + c² बराबर a², अब जरा मुझे बता दो a² - c² बराबर a², तो मैंने अगर यहाँ a² - c² को b² लिख देता तो कोई बुराई होगी थी क्या, नहीं हुई थी, कोई बुराई नहीं थी सर। एक और बड़े कमाल की बात सर, ये जो b आपका आ गया है, ये b आपका कितने के इक्वल आया, √a² - c², ठीक है, और सर ये जो b आया, b, ये b क्या हुआ, ये b हुआ सेमी मेजर माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, व्हाट डू यू मीन बाय सेमी इन मैथमेटिक्स, आधी, माइनर मतलब माइनर वाली, क्या ये माइनर एक्सिस का हाफ है, तो इसका मतलब माइनर एक्सिस की लेंथ क्या हो जाएगी, ये सब हटा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं क्या मजा आता है, बार बार कह रहा हूँ अगर बच्चे मिल जाए ना पढ़ाने वाले तो आनंद ही अलग किस्म का आता है, ठीक है ना,
पढ़ाने में ना एक अलग फील आने लगता है, फिर लगता है इससे ज़्यादा बढ़िया कोई काम ही नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस 2b, पहली बात बताओ 2b होगी कि नहीं होगी, खत्म बात। तो वो 2b कितने के इक्वल होगा, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के इक्वल होगा। बोलो बात समझ में आए कि नहीं, कौन सा वाला बच्चे? अच्छा ये देखो सुनो, यहां तक आ चुके थे हम लोग डेराइव करते करते, जब उसको नोट डाउन करोगे तो आ जाएगा समझ में। मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को मुझे दिखा यहां भी है क्या ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और वैसे भी मुझे पता है मुझे क्या लाना है, डेरिवेशन में अक्सर पता होता है कि हमें लाना क्या है। जैसे मान लो कि आपने थ्योरम पढ़ी, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, अब ये पहले से पता है वही प्रूफ करना है, तो वैसे ही मुझे यहां पहले से पता है कि मुझे लाना क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मुझे चूंकि यहां 1 लाना था इस साइड, क्या लाना था 1, अब इसको 1 बनाने के लिए इसी नंबर से डिवाइड करोगे तब तो 1 आएगा। तो मैंने अब लेकिन मैथ्स क्या कहता है कि मैथ्स हूं मैं फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ नहीं कि अपनी मर्जी से अमन करे कुछ जोड़ कर दो, मैथ्स में कुछ भी इंबैलेंसिंग नहीं होता, बैलेंस करना पड़ेगा, अगर इधर डिवाइड कर रहे हो तो इधर भी करना पड़ेगा चाहे अच्छा लगे ना लगे, समझ में आ रही बात ना। तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से इसको डिवाइड किया तो फिर दोनों तरफ डिवाइड किया, अब जब इसको डिवाइड कराऊंगा बच्चे तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कट के क्या जाएगा 1, इसमें जब नीचे लिखूंगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसके नीचे कुछ था नहीं, जब इसको डिवाइड कराऊंगा तो क्या आ जाएगा उसके नीचे ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, समझ गए। ये जो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बना इसको मैंने एक नया कॉन्स्टेंट मान लिया, मैंने कहा ये अच्छा सा नहीं लग रहा, इसकी जगह एक नई चीज लेते हैं, और वो नई चीज भी क्या ली, वो नया भी कुछ भी ऐसे नहीं ले लिया, उस नए का भी इससे कुछ रिलेशन बन रहा था कि हमने क्या बोला, अब आज के बाद से क्या भी याद रखोगे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर। बोलो नहीं समझे, मतलब कैसे, मेजर एक्सिस की लंबाई कितनी है 2a, मेजर एक्सिस की लंबाई कितनी 2a, तो सेमी मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी a, तो मैंने क्या बोला एक्स स्क्वायर अपॉन सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर हमेशा बनके इक्वल जिस भी फिगर में आ जाएगा, जिस भी कॉनिक सेक्शन से ये कंडीशन फुलफिल हो रही होगी वो कॉनिक सेक्शन 110% एलिप्टिकल कॉनिक सेक्शन होगा, यानी एलिप्स होगा। आई बात समझ में, इतने में कोई डाउट है, श्योर ना यार? एक बात तो बताओ, मैंने आपको जब सर्कल पढ़ाया था तब भी बोला था एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एक्स की भी पावर 2 होनी चाहिए और y की भी पावर 2 होनी चाहिए, और यहां भी तो x की पावर y की पावर 2 सेम आ रही है, तो पावर तो सेम है लेकिन वहां बोला था कि वहां पावर के सेम होने के साथ साथ, यानी पावर 2 होने के साथ साथ कोफिशिएंट भी सेम होने चाहिए, कहा था कि नहीं, लेकिन यहां पर कोफिशिएंट का सेम होना जरूरी नहीं है, नहीं समझे? अरे भाई समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर हो गया तो वही स्पेशल केस बन गया, मैंने बोला ना कि एलिप्स का ही स्पेशल केस क्या होता है सर्कल, यानी इन द फिगर या द एलिप्स इन विच द सेमी मेजर एक्सिस एंड द सेमी माइनर एक्सिस इज इक्वल देन इट इज सर्कल, तो तभी तो बनेगा जब इसको सर्कल बनाओगे, तो ये जो सेमी मेजर एक्सिस होगी वो रेडियस के इक्वल होगी, जो सेमी माइनर एक्सिस होगी वो भी रेडियस के इक्वल हो जाएगी, दोनों आपस में क्या हो जाएंगी इक्वल, तो ये एलिप्स ही क्या बन जाएगा सर्कल बन जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है बात पकड़ में आ रही होगी, श्योर ना? क्यों नहीं क्लियर हुआ? ठीक, बहुत बढ़िया, तो ये क्वेश्चन याद कर लेना है, ये बातें याद कर लेनी है। अब आ जाओ जल्दी जल्दी कुछ बातों पर और, ठीक है? अगर तुमसे मैंने सवाल कर लिया, मैंने जितना पढ़ाया सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आपने ध्यान से सुना है मेरी बात को तो मेरे सारे सवालों के जवाब आप ध्यान ध्यान देते चल जाएंगे बहुत तेजी से। पहला, सबसे पहला सवाल, अब आपको मुझे केवल कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है ना? बताइए सेंटर के कोऑर्डिनेट, इस एलिप्स के सेंटर के कोऑर्डिनेट 0, 0, वेरी गुड, मजा आ गया, 0, 0, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। अब बोलेंगे भैया वर्टेक्स मत बोलिए, बेहतर होगा वर्टिसेस बोलिए, क्या बोलिए? वर्टिसेस, क्योंकि एक नहीं है दो हैं, क्लियर है? तो इसका मतलब वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट बताइए, चलिए ठीक है ना? तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट, तो बोलेंगे सर प्लस माइनस ए कॉमा 0। बोलो किसी को डाउट हो तो, नहीं होना चाहिए, अगर है तो दूर कर लो। ये कितने के इक्वल, ये कितने के इक्वल, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए कॉमा 0 और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉमा 0।
गजब, बात समझ में आ रही ना? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छे। फोकाई के कोऑर्डिनेट, फोकाई प्लस माइनस सी कॉमा जीरो, वेरी गुड, प्लस माइनस सी कॉमा जीरो। और भैया हमें जब इक्वेशन दे रखी होगी ना तो उसमें सी नहीं दे रखा होगा, डायरेक्ट क्या दे रखा होगा? ऐसी इक्वेशन दे रखी होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 49 या एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 बराबर 1। तो हम इसकी हेल्प से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का कंपैरिजन करके ए और बी निकाल लेंगे। जब ए और बी निकल जाएंगे तो प्लस माइनस ए कॉमा जीरो वर्टेक्स हो जाएगा, बी भी निकल जाएगा। तो ए बी और सी का रिलेशन ये बता रखा, ए बी सी का रिलेशन ये रहा, देखो ध्यान से देखो, इसको भी छोड़ दो, इसको याद रखो, इसको भी छोड़ दो, तो इसको याद रखो, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, बात खत्म, लो खत्म। नहीं समझे? मैं सी स्क्वायर को इधर ले गया, बी स्क्वायर को इधर ले गया, क्या बन गया एक रिलेशन? भाई वाह, क्या गजब कहानी। सी निकालना, अगर सी निकालना हो तो क्या करोगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर ये ए बी कहां से आएंगे? ये क्वेश्चन में दिए रहेंगे, वो तो इक्वेशन से मिल जाएंगे हमें। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत अच्छे। तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर? अब आ जाओ जी, और काम की बात बताओ। लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस सर 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस, बहुत बढ़िया, लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस तो सर 2b, बोलो कोई डाउट तो? पक्का? बहुत अच्छे। डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, बोलिए ना भाई, गलत गलत, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई 2c, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई 2c, लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस समझ में आ गई? बहुत अच्छे। बता दो जो मुझे एंड ऑफ माइनर एक्सेस, एंड्स ऑफ माइनर एक्सेस, माइनर एक्सेस के एंड के कोऑर्डिनेट अगर तुमने बता दिए मैं खुश हो जाऊंगा। जीरो कॉमा प्लस माइनस बी, यार क्या बात है, अगर ये समझ में आ रहा है ना तो आज काफी दिनों के बाद मैंने मैथमेटिक्स को उस अंदाज में पढ़ाया जिस अंदाज में कभी पढ़ाया करता था, ठीक है ना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये जानना बहुत जरूरी है। इतने इस डिटेल में जानकर जब हम इलिप्स को आगे बढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं रह जाते। इसीलिए कहा जाता है बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर पहले करो फिर क्वेश्चन करो, उससे फायदा क्या होता है? क्वेश्चन करने से कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बिल्ड हो जाता है और मजबूत हो जाता है, पर सीखा पहले कॉन्सेप्ट ही जाता है, समझ गया ना भाई? हम कहने लगते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ना सीख करके, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस को ना पढ़ करके हम सीधे क्वेश्चन लगाने लग जाते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के और परपेंडिकुलर एक्सिस के, करने को रटा वटा देते कैसे भी ऊपर नीचे करके, तुम्हें रटा देता मैं, जबरदस्ती घुसा देता तुम्हारे दिमाग में, फायदा कुछ नहीं होता। पहले जान लिया हमने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या होती है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होती है, उसको हमने कॉन्सेप्चुअली जान लिया। अभी भी जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तो आपसे नहीं होंगे कुछ, लेकिन यह है कि अगर 10 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे तो 10 में से आप 6-7 के जवाब दे देंगे अगर आपने कॉन्सेप्ट को सही से समझा। वो जो बाकी के 2-3 नहीं दे पाएंगे उनमें मैं फिर आपको समझाऊंगा दोबारा, तो आपका कॉन्सेप्ट जो थोड़ी बहुत क्लियरिटी रह गई है, जो थोड़ा बहुत कमी रह गई है, वो पूरी हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? अभी जब हम ये पूरा पढ़ लेंगे तो इसके बाद अभी क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और एग्जांपल्स लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें। हाँ बच्चे ये वाले ना सुनो, बच्चे सुनो, अभी अभी मैंने क्या बताया मेरे प्यारे, ये बताओ ये कितनी दूरी है बी, और माइनर एक्सिस की लंबाई कितनी है पूरी 2b, क्योंकि ऊपर b नीचे b तो मिला के कितनी हो गई, क्लियर है? तो जरा मुझे बताओ ये y एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट है कि नहीं है? मैंने कहा एंड, एंड मतलब सिरे, माइनर एक्सिस के एंड्स कहां है? माइनर एक्सिस का एक एंड यहां है और माइनर एक्सिस का एक एंड यहां है ना, तो इस वाले एंड के कोऑर्डिनेट बताओ। तो हम बोलेंगे सर y एक्सिस का कोऑर्डिनेट, y एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट 0 होता है, लेकिन सर y पे चलना कितना पड़ा b, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, b, और नीचे वाले के क्या हो जाएंगे 0, -b। मैं एक ही में दोनों लिख दे रहा हूं, ये जो मैं प्लस माइनस करके लिख रहा हूं ना, ये दोनों लिख रहा हूं, इसमें दोनों वर्टेक्स आ गए, इसमें दोनों फोकाई आ गए, इसमें दोनों एंड ऑफ माइनर एक्सिस आ गए। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बस कहानी बची दो चीजों की, लेटस रेक्टम, और उसको भी कल प्रूफ करेंगे, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं फॉर्मूला अगर चाहो तो लिख सकते हो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है इसकी, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2b² / a, ये फॉर्मूला होता है 2b² अपने, बार परेशान मत होइएगा कैसे आया वो भी बता देंगे, लेकिन यही फॉर्मूला होता है, जैसे उसका होता है 4a, वैसे इसका याद कर लेना, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, होती क्या है लेटर सेक्टम, अभी भी वही जैसे कल था, फोकस से पास होने वाली वो लाइन जो कि इलिप्स की दोनों, इलिप्स के सर्कमफ्रेंस को दो पॉइंट पर मीट कर रही हो, मतलब कुल मिलाकर किसको कहा जाता है लेटर सेक्टम, इसको कहा जाता है लेटर सेक्टम। कितनी होंगी इसमें लेटर सेक्टम, दो होंगी, एक दो फोकस हैं तो दो ही लेटर सेक्टम होंगी, क्लियर है ना। इनकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी 2b² / 1 इक्वल होगी। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? हाँ
किसकी? हाँ अभी सुनो ना, ए बच्चे देना ध्यान दो, हमने अभी केवल एक इलिप्स को पढ़ा है। कौन से एक इलिप्स को पढ़ा है? जिसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है। कल की क्लास में इसका दूसरा केस पढ़ेंगे, दूसरे केस में क्या होगा, अब उसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, वो तो हो गया, बस डेरिवेशन तो यही है, बस अब उसका स्पेशल केस बना देंगे। हम कहेंगे कि भाई एक और इलिप्स बन सकता है, कौन सा वाला? वो इलिप्स जो कि वाई एक्सिस के अलोंग बनाया गया होगा। ये वाला इलिप्स किसके अलोंग बना है? एक्स एक्सिस के अलोंग। एक बनेगा कल ये वाला, परेशान मत होइएगा, उसको कल बात करेंगे। फिलहाल मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। इतना अगर आपने डाइजेस्ट कर लिया आज की क्लास में और कल इसको करके लेके आ गए, समझ के आ गए, तो कल फिर बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा आपको मैथ्स पढ़ने में। क्लियर थी बात ना? और कोशिश करिएगा एक्सरसाइज लगाने की, एग्जांपल्स देख करके एक बार एग्जांपल लगाने की कोशिश करिए, फिर एक्सरसाइज लगाने की कोशिश करिएगा। मैं तो ये कह रहा हूं अगर आपने समझाया तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी, लेकिन फिर भी कुछ रह जाएंगे तो उनको मैं कल करा दूंगा। बोलो बात समझ में आ गई? चलिए आज के लिए इतना काफी है मैथ्स में फिलहाल, ठीक है ना? कल मिलते हैं वापस।